दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले कि आप कैसे आपके पीएफ के जो यूएन नंबर होता है उसका पासवर्ड आप अगर भूल जाते हैं तो आप कैसे एक नया पासवर्ड जनरेट करके आपके पीएफ के अकाउंट को फिर से कैसे लॉगिन कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर आपके पीएफ के अकाउंट का जो यूएन नंबर आता है उसका पासवर्ड आपको मालूम नहीं है, या फिर जो भी है पासवर्ड आपने भूल गया है, या फिर आपकी कंपनी की तरफ से आपको सिर्फ यूएन नंबर दे दिया, आपको पासवर्ड बना के नहीं दिया, तो आप कैसे एक नया पासवर्ड बना सकते हैं, या फिर जो है ऐसे जो भी कंपनी की तरफ से उनको एम्प्लॉइज को दिया जाता है यूएन नंबर के साथ पासवर्ड एक डिफॉल्ट बना के दिया जाता है, लेकिन उसको आपको पता नहीं रहता है, इस वजह से हम उसको लॉग इन नहीं कर पाते, तो आप जो है उसको कैसे चेंज करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले पीएफ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और आप मैं जो तरीका अपनाऊंगा सेम तरीका आप आपके फोन के गूगल क्रोम वगैरह से भी करके जो है आसानी से आप जो है आपके पीएफ के अकाउंट का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको फोन में ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में आपको ऑन करना होगा। तो चलिए, जो प्रोसेस मैं करने वाला हूँ सेम प्रोसेस आप आपके मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे इधर प्राइवेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो यूएन नंबर है यूएन नंबर को आपको डाल देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना यूएन नंबर डाल देंगे। यूएन नंबर डालने के बाद इधर आपको नीचे कैप्चा है, कैप्चा आपको डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको बता रहे वैलिड कैप्चा, तो शायद हमने कैप्चा ने कुछ गलत डाल दिया, ऐसे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा शायद। फिर से वो देख लेंगे सही डालते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके पे के अकाउंट के साथ लिंक रहेगा उसमें एक ओटीपी जाएगा। इससे आधार कार्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि आधार कार्ड में हमारे नंबर नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगा, लेकिन आपके पे के अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर आपने लिंक कराया था, आपके जो एचआर को दिया था, वही नंबर आपको इधर दिखेगा, वही नंबर लिंक है। तो इसके लिए हम ये नंबर आपके पास है कि नहीं सबसे पहले आप कन्फर्म कर लीजिए, लास्ट के 4 डिजिट और फर्स्ट के 2 डिजिट आपको दिखेगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो ओटीपी हमें भेज दिया गया, तो ओटीपी के लिए हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। तो देखते हैं ओटीपी हमें कब तक आता है, ओटीपी का हम थोड़ा इंतजार करते हैं। इसके लिए कभी कभी तुरंत भी आ जाते हैं, कभी कभी टाइम भी लगता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ओटीपी जैसे ही आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर ओटीपी तुरंत नहीं आता है या फिर 1-2 मिनट 2-3 मिनट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है फिर जो है अब इसे ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया ओटीपी जो है जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ लिमिट होता है, तो थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए, वही अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक दिन का लिमिट क्रॉस कर लेंगे 2-3 बार ऐसा नहीं आते तो शायद आपका फ़ोन का भी कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, इस वजह से कभी कभी ओटीपी जो है लेट आता है। तो इसके लिए आपको रिसेंट ओटीपी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा उसके लिए। तो हम देखते हैं कब तक आता है। और ये जो ओटीपी विथ आईडी, ये जो आईडी है सेम ओटीपी जो आपका मतलब ये आईडी के साथ में एक ओटीपी आपको भेजा जाएगा, तो आपको इस आईडी को नहीं डालना है, ये बात को ध्यान देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी ओटीपी रहेगा उसको आपको डालना होगा। तो ये ओटीपी आईडी है, कभी कभी लोगों को लगता है कि यही हमारा ओटीपी है और यही बता देता है, क्योंकि फोन अगर हमारे पास नहीं रहता है तो उनको लगता है कि यही ओटीपी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो
चलिए ओटीपी हमारा आ गया, ओटीपी हम डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ईवन नंबर इधर जनरेट मतलब दिख रहा है, उसका हमारा मोबाइल नंबर, उसका न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो हमें अभी न्यू पासवर्ड एक जनरेट कर मतलब क्रिएट करना है हमारे ईवन नंबर के लिए, तो चलिए हम कर लेंगे। और न्यू पासवर्ड में जो एक नंबर वर्ड और कुछ भी मतलब मिक्स करके जो आपको पासवर्ड बनाना होगा कैपिटल स्मॉल लेटर मिला के कॉम्बिनेशन करके, उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पासवर्ड है ये जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। उसके बाद आप क्लिक या लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से आप यूएन नंबर को जो है लॉगिन कर सकते हैं। और पीएफ के बारे में मैंने सारे ट्यूटोरियल्स के वीडियो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर आप जो है पूरे ट्यूटोरियल सीरीज को देख सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि पीएफ के अकाउंट में जितने भी आपको प्रॉब्लम आने वाले सारे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने अलग अलग ट्यूटोरियल्स बना दिए हो। तो पीएफ के बारे में जो भी आपका प्रॉब्लम आता है जैसे यूएन नंबर कैसे मतलब डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना, आधार कार्ड अपडेट करना, केवाईसी करना, बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना, कैसे विड्रॉ करना काम छोड़ने के बाद, कैसे आपको जो है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना, पेंशन का पैसा कैसे निकालना, ये सारे जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग अलग वीडियो मैंने जो है बना के रखा है। तो आशा करता तो हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल में नए नए वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।